इंदौर में प्रशासन द्वारा भूमाफियाओं पर लगातार कार्यवाही जारी है। वहीं सोसाइटी के माध्यम से प्लाट देने वाले सभी सदस्यों को प्लाट देने के लिए भी प्रशासन पूरी कवायद कर रहा है। इसके लिए प्रशासन ने रहवासियों की ही एक टीम जनप्रतिनिधि के साथ बना दी है। इसके लिए प्रशासन कॉलोनी में ही कैंप लगाकर डायवर्सन, नामांतरण और टैक्स का निराकरण भी करेगा। जो रेवेन्यू आएगा उसका 50% उसी कॉलोनी के विकास में खर्च किया जाएगा। और सीएम साहब का ये कहना है कि जिस भी क्षेत्र में जो माफिया हो, जिससे कि आम जनता प्रभावित विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी है। अलग अलग तरह के माफियाओं पे आपने देखा पिछले कुछ माहों में पूरे प्रदेश में कार्रवाई हुई है। लेआउट अप्रूव कराना पड़ेगा, जो हम लोग पूरा उनको सब हैंड होल्डिंग करेंगे, मदद करेंगे, उसमें डिपार्टमेंट सब नक्शा बनवाएंगे, पूरी हैंड होल्डिंग होगी उनकी। उसमें जो भी बचे रह जाएंगे उनकी रजिस्ट्री भी हो सकती है। तो इस प्रकार के जो भी निर्णय लेने हैं, इसके लिए एक समिति क्षेत्रीय विधायक जी द्वारा, हाडी जी द्वारा अयोध्यापुरी बनाई गई है। वहाँ पर उन्होंने अपना प्रतिनिधि भी रखा है, राजेश उदावत जी जो लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसे यहाँ पर भी एक रहवासियों की एक समिति बना दी है हाडिया जी ने। यहाँ भी उन्होंने प्रतिनिधि राजेश उदावत जी को रखा है, क्योंकि उनको मालूम है सब चीज़ें, वो काफ़ी समय संघर्ष कर रहे थे। तो जनता का निर्णय जनता की ही प्रतिनिधि और जनता की ही टीम करेगी। इसमें हम लोग को जो बोला जाएगा वो पूरा सपोर्ट करेंगे हम लोग। आइडिया से जैसे क्लियर होगा, भवन अनुज्ञा लीगलाइज सब हो जाएगा। डेवलपमेंट के पार्ट पे भी, चूँकि यहाँ पर जैसे ही लोग काबिज हो जाएंगे, कैंप लगेगा नगर निगम का रेवेन्यू का, जो डाइवर्जन का खाते अलग अलग खोलेंगे इनके नाम से, इनके नाम से नामांतरण करेंगे खसरों में, इनके नाम से प्रॉपर्टी टैक्स के अलग अलग खाते खोले जाएंगे, और जो भी राशियाँ उसमें दे होंगी मिलेंगी नगर निगम को, सरकार को, नगर निगम को जो राशि मिलेगी, प्रयास करेंगे कि वो राशि का 50% नगर निगम यहीं के डेवलपमेंट पर खर्च कर दे।